राफेल डील पर एक बार फिर से सियासी खेल आखिर क्यों? यूपी में वंशवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का मुद्दा क्यों? और यूपी चुनाव में मायावती की अकेला चलो वाली रणनीति का राज आखिर क्या है? राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 सियासी संग्राम में आप देखिए। राफेल पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस के साथियों लड़ते रहिए, केंद्र के खिलाफ लड़ाई में रुको मत, थको मत, डरो मत। राहुल गांधी के मुताबिक जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिर फिक्र की क्या बात है। राफेल डील पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मीडिया पार्ट के दावे को सही मान लिया, पर यह घोटाला एक बिचौलिए के माध्यम से 2007 से 2012 के बीच किया गया। सीएम योगी ने आज बदायूं और शाहजहांपुर की रैलियों में राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि कोई दुश्मन अगर देश की तरफ आंखें दिखाता है तो नया भारत उसकी आंखें निकाल कर हथेली पर रखने का दम रखता है। लखीमपुर केस में एफएसएल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्र की लाइसेंसी गन से भी फायरिंग की गई थी तो अंकित दास की पिस्टल से भी गोलियां चलाई गई। लखीमपुर हिंसा के दौरान राइफल, रिपीट गन और पिस्टल से फायरिंग की गई थी। लखीमपुर हिंसा केस में अखिलेश यादव ने आज एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईटी के जरिए लोगों को फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि एसआईटी अपना काम कब तक पूरा करेगी। यूपी में वोटर लिस्ट से काटे गए 6,42,000 नामों को अखिलेश यादव ने गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में 21,56,000 नए नाम भी जोड़े गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने सूची जारी नहीं की तो समाजवादी पार्टी धरना देगी। यूपी की चुनावी फिजा में महकने के लिए अखिलेश यादव ने आज समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इसकी खुशबू का असर 2022 में दिखाई देगा और इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म हो जाएगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज साफ कर दिया कि यूपी चुनाव में कोई गठबंधन या समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंदरूनी साठगांठ होने का भी आरोप लगाया। कोलकाता में आज ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आ गए, केंद्र सरकार ने देश के 12 बजा दिए। ममता बनर्जी ने वैक्सीन देने के मामले में केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।